ये तो गाइस अभी आप मेरे पीछे पंडाल देख रहे हैं, मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट पंडाल मेरे को लगा है, क्योंकि इसका डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। का इच्छा हुआ गाइस मोमो खाने का, तो बोले चल खा लेते हैं, तीखा नहीं ना है, तीखा नहीं ना है थोड़ा। Hey guys, this is Abhi and welcome back to my new vlog. So friends, कैसे हो आप सब लोग? I hope you all good. So guys, yesterday we went a Katra for a Chamunda Sthan, right? And today is Ashtami, Art Puja guys, and now we just going to visit a Muzaffarpur city, a various pandal, right? तो आज हम लोग अष्टमी पूजा है गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए। मुजफ्फरपुर का जितना भी फेमस पंडाल है वहाँ पे, तो मैं और अंश जा रहा हूँ। भूषण जी का भी प्लानिंग था, ऋषभ का भी था, बट सम हाउ सम रीज़न उन लोगों का कैंसिल हो गया, मैं और अंश ही जा रहे हैं सिर्फ। तो अभी बस निकल रहे हैं एंड आई जस्ट ट्राई टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द मुजफ्फरपुर पंडाल, पूजा पंडाल एज मच एज पॉसिबल। सो चलिए चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं, घूमते फिरते हैं, कुछ नाश्ता पानी भी करते हैं मेला का। एंड चलिए आप भी लोग घूमिए और मेरे साथ ब्लॉग में बने रहिए। सो एंजॉय, हैप्पी नवरात्र गाइस। तो गाइस हम लोग घर से यहाँ पे आ गए हैं मुजफ्फरपुर पंडाल, पूजा पंडाल देखने के लिए, मैं और अंश। सो यू कैन सी थोड़ा आवाज़ का मे भी इशू होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा गाना चल रहा है, चारों तरफ पूजा का माहौल है। तो गाइस सो जस्ट मैनेज इट एंड चलिए अब पूजा पंडाल देखना शुरू करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। माता रानी आप सब लोग भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें। सो स्टे कनेक्टेड गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माता दी गाइस। इन दैट टाइम वी जस्ट रीच अ टावर ऑफ मुजफ्फरपुर एंड यू कैन सी द डेकोरेशन ऑफ टावर गाइस। सो जस्ट लुक एट योर दुर्गा पूजा, मैंने इसको एकदम सजा दिया जाता है गाइस। एंड जस्ट लुक एट योर दिस इज द इंडिया गेट पंडाल राइट, वहाँ पे आपको झंडा भी दिख रहा होगा। ये एक्चुअली में पंकज मार्केट का ये पंडाल है एंड एवरी ईयर दिस इज डूइंग अ डिफरेंट थिंग्स, ये हमेशा कुछ हर साल डिफरेंट करते हैं, इस बार इन्होंने इंडिया गेट बनाया है। चलिए माता का भी दर्शन करते हैं अंदर अब। एंड यहाँ पे ये पंकज मार्केट का था एंड ये हर साल कुछ न कुछ नया करते हैं राइट। एंड हंस मजा आया यहाँ बाबू, यहाँ का लाइटनिंग गाइस बहुत अच्छा होता है राइट। तो यही थोड़ा आपने देखा होगा, अभी चलते हैं गोला रोड, वहाँ का भी मंदिर बहुत खूबसूरत है। चलिए गाइस वहाँ पे आपको ले चलता हूँ। अच्छा है, तीखा है, नॉर्मल है, मज़ा आ रहा है ना। तो गाइस अभी हम लोग गोला स्थित दुर्गा मंदिर पहुंच चुके हैं, एज यू कैन सी वहां पे मंदिर भी नज़र आ रहा होगा आपको। चलिए आप चलते हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छा हुआ है, एवरी ईयर यहां का डेकोरेशन बहुत ही अच्छा होता है। एंड कितना अच्छा लग रहा है ना गाइस, है ना, लग रहा है आसमान से सितारा पूरा धरती पे आ गया। और यहाँ पे आज थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा होना भी चाहिए अष्टमी, आज कल तो इससे भी ज़्यादा रहेगा। एंड यहाँ पे अंश का दर्शन कराते हैं। ये गोला का दुर्गा मंदिर है,
यहाँ का तो गैस भव्यता ही इतना ज्यादा रहता है ना, बताने का कुछ जरूरत नहीं है। अभी हम थोड़ा चाउमीन खा रहा है, बोला भैया मैं थक गया थोड़ा मेरे को कुछ खिला दो, दैट्स व्हाई ये चाउमीन अभी चलो खा लेते थोड़ा। आप बनारस बैंक चौक जाना है गाइस, पंकज मार्केट गोला नाव बाजार बनारस बैंक चौक, वहाँ भी बहुत अच्छा बनता है पूजा पंडाल। क्या हुआ घर में आराम से खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी हम नहीं खा पाए इसलिए ये खा रहे हैं, और ये पंडाल नाउ गाइस फाइनली वी जस्ट रीच बनारस बैंक चौक। यहाँ का भी बहुत ही अच्छा माता का पंडाल बनता है, डेकोरेशन आप देख लीजिए एज यूजुअल, बट पंडाल कुछ डिफरेंट टाइप का होता है। चलिए गाइस अब चलते हैं अंदर, माता का दर्शन करते हैं, बनारस बैंक चौक का दूसरा पंडाल है। जय माता दी। जिन माता भगवान ने माँ का दर्शन कर लिया हो तो क्या धीरे धीरे आगे क्यों बढ़ते रहे। जय माता दी। इच्छा हुआ गाइस मोमो खाने का, तो बोले चल खा लेते हैं, तीखा नहीं ना है, तीखा नहीं ना थोड़ा भी तीखा नहीं है, मेरे को बहुत तीखा लगता है बट इसको तीखा ही नहीं लगता है। पंडाल देख रहे हैं मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट पंडाल मेरे को लगा है, क्योंकि इसका डिजाइन देखिए कितना खूबसूरत है। तो चलिए मैं फ्रंट कैमरे से आपको दिखाता हूँ, बैक कैमरे से अब इसका व्यू पता चलेगा। सबसे बेस्ट पंडाल है ये मुजफ्फरपुर का गाइस। यहाँ पर कितना भव्य प्रतिमा है माता का। मेरे को लगा गाइस मुजफ्फरपुर का सबसे बेस्ट पंडाल, जस्ट लुक एट बिहाइंड, थोड़ा डिफरेंट पंडाल है ये, है ना, कमेंट में बताइएगा गाइस। दो मिनट इंतजार करने,